हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेवल लाइट्स। आज हम लोगों का एक बड़ा अच्छा घूमने का प्लान है। सुबह सुबह ही पैकिंग करके रख ली है और ये अरे 8 बज गए हैं, इतनी भी सुबह सुबह नहीं उठाया तुमने। उठो उठो, ओहो नींद बहुत तेज आ रही है। अब रात को 2 बजे सो रहे हैं तो ऐसे ही होगा, ऐसा लग रहा है आधी रात में उठे हुए हैं यार। मुझे तो सोते हुए ही दिखा दो। हाँ सोते हुए यार, काफी लंबा ट्रेवल करना है, मतलब 500-550 किलोमीटर गाड़ी चलानी है और मेरी कमर की बैंड बज गई है रात में। पता नहीं ऐसे कौन सी एक्सरसाइज की है मेरे, जो मेरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी कमर दर्द कर रही है। ऊपर से रात में एसी चलाकर सो गए। मैं बार बार रात को उठ कर एसी बंद कर रहा हूँ, ताने चला रही है। पूरी रात हम लोगों की ऐसे निकल गई है और आज मतलब ट्रेवल है। खैर कोई नहीं, एनर्जी तो काफ़ी है बॉडी में, एक कॉफ़ी पीते हैं। ताने की ताने जी मत ही करते हुए, और मम्मी वही सेम कपड़े पहनते हुए जो पुराने वाले व्लॉग में पहने थे। गाइस फाइनली मैं अब वापस एनर्जी के साथ वापस आई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो पता नहीं मुझे कैसा सोता हुआ सा दिखा दिया है। बट अभी ब्रेड जैम खाने के बाद मेरे अंदर आ गई एनर्जी। ये पति देर ड्राइव करते हुए हम दोनों ब्रेड बटर, किसी लोगों को ब्रेड जैम सॉरी की वजह से हमें भी ब्रेड जैम खाना पड़ा। तो बढ़िया है, तो तुम ब्रेड जैम नहीं खाते थे पहले, अब खा रहे हो। इसमें मलाई होती ना, मजा आता। हम धूप की वजह से नहीं लाए मलाई, लेकिन पता नहीं शायद खराब हो जाती होती है, खराब या नहीं होती बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। गाड़ी में एसी नहीं है। अरे है भाई है, मेरी गलती। सारे काम मुझे कराएगा सुबह इसने, देखो कैसे से कितना कम सा जैम लगा रखा है। नहीं मतलब दूसरी तरफ ठीक ठाक लगा रखा है, दिखाती है दूसरा वाला। लेकिन सारे काम मैं से करवाऊंगा, काम मैंने किया है। टेक के बंद हो, सुबह आपको पता ही है कि मैं लेट सो के उठती हूँ और इसने मुझे सुबह इतनी जल्दी सो के उठ के पुश किया है। बट फिर भी, और आज का हमारा रास्ता लंबा है तो हमने सोचा कुछ अपने लिए बीच में स्नैक कुछ ऐसा रख लेते हैं, तो हमने ये रख लिया ब्रेड जैम। और अब इसके बाद हम कहाँ पे, नोएडा में तो मुझे खाना था, ग्रेटर नोएडा में हम खाएंगे ना। तो हम स्टेट अभी नोएडा पहुँचने वाले हैं, उसके बाद खा लेंगे। इतना से क्या तुम्हारा पेट भर रहा है, तुम्हारा राक्षस जैसा पेट है इसलिए। तो आज तक पहुँच चुके हैं पति देव। टेम्परेचर प्लीज 44 डिग्री भाई साहब। गाड़ी एक मिनट के लिए बंद हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है तुरंत। इट्स रियली हॉट। और हमारी किस्मत देखो भाई, कितनी लंबी कतार मिली है, फ्यूल स्टेशन पे भी लाइन मिल रही है। इतना महंगा डीजल होने के बाद, पेट्रोल होने के बाद भी लोग मतलब कहां से, मतलब थोड़ा सा तो रिड्यूस हो और जरा बढ़ता ही जा रहा है। चलो वो जो एक वीडियो है ना कि पेट्रोल को तो 2,000 रुपये लीटर होना चाहिए। अभी मतलब कूड़ा चुगने वाला भी बाइक चला रहा है और हम भी बाइक चला रहे हैं, तो दोनों में फर्क कैसा अमीर लगना चाहिए। एक वीडियो देखी तुमने इंस्टाग्राम पर आई थी, अरे बहुत ट्रोल मिल गया। कोई बात नहीं, ज्यादा चला था इंस्टाग्राम, पता चल गया ना तुम लोगों को कौन ज्यादा इंस्टाग्राम चला रहे हैं। इंस्टाग्राम कम चला रही हो अभी आजकल। यस चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम फ्यूल भराते हैं, उसके बाद फिर हम आगे। हम पहुंच चुके हैं फाइनली, लाइव अपडेट अभी ये है, बज रहे हैं दिन के 11:30 और हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा। अब हम पहुंचे हैं जेवर टोल टैक्स के पास। भाई साहब बहुत धूप है, बहुत। तो ये आपका मिडवे काइंड ऑफ, एंड हमने सोचा यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, थोड़ा सा स्नैक टाइप का। 1 घंटा हो चुका है, दोपहर के बज रहे हैं एकदम 12, सूरज हमारे सर पे है। जल्दी 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 लेट्स गो इनसाइड। सही में इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, 45-46 डिग्री टेम्परेचर। ओह ओह, मतलब अगर मैं ये बर्गर लिया मेरे बर्गर किंग से, अगर मैं सर फूड रोड पर भी रख दूँ तो इसे वैसे ग्रिल करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। माय फेवरेट, हम तो गरीब इसमें काम चला देते हैं, 50 रुपये का बर्गर लिए। चलो यहाँ से लगेगा अभी 1.5 घंटा। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी गर्म हो गई होगी लेकिन बहुत। डेस्टिनेशन
चलो पहुंचते हैं मेहंदीपुर बालाजी भोजनालय हमारे सामने। कुछ कुछ आइडिया लग गया, हम आगरा पहुंच चुके हैं। लाइव अपडेट, दोपहर के बज रहे हैं 1:55, बाहर का टेम्परेचर 46°C और गाड़ी के अंदर 22°C है। क्यों खुश हैं आप इतने? ओबेरो जाना है तो बताओ, अभी बताएंगे ना अपने को खुशी की वजह। स्पेशल एंट्री हो रही है हमारी, जहाँ पे कोई नहीं जा पा मतलब साइन बोर्ड है कि आगे आप नहीं जा सकते, लेकिन किसी को बोलो कि ओबेरो जाना है जाइए सर जाइए। मतलब ऐसी वीआईपी वाली सीरीज, मतलब ऐसे आईएएस वाईएएस के लिए स्पेशली खुलती है ना गेट, वैसी फीलिंग आ रही है ऐसे आज। तो अब हम अपना सस्पेंस खत्म करते हुए, अब तो बता ही दिया है, अब तो हमने बता ही दिया है। तो आज का हमारा स्टेकेशन है द ओबेरॉय अमर विलास में एक दिन के लिए, इट विल बी आवर स्टे, एंड हम ताजमहल विजिट करने आए हुए हैं। इससे पहले एक फन फैक्ट बता दो इन्हें कि हमने अपना प्री वेडिंग शूट भी ताजमहल के पास कराया था, तो हम अपने प्री वेडिंग के बाद आज दोबारा घूमने आ रहे हैं। कभी आपको प्री वेडिंग के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, तो अब हम चलते हैं आगे कहाँ के लिए। अब आप विजिट करें हमारे साथ ओबेरॉय अमर विलास, हाउस द प्रॉपर्टी कैसा क्या है सब कुछ। अब कैमरा उस तरफ जा रहा है। चलो भाई जल्दी जल्दी आपको भी मैं एक रूम भी दे देता हूँ, ये है यहाँ का बाथरूम, काफी स्टाइलिश है। ओहो, यहाँ पे बैठ के धोना है, यहाँ पे बैठ के नहाना है, यहाँ पर भी नहाना है। लाइट्स बड़ी स्टाइलिश है, शीशा भी काफी बड़ा है, साफ देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बैग, बाथरूम,
ये कुछ नया है यहाँ पर बेड इस स्टाइल में। ये सब बैठने की जगह, सोफा। ओहो, व्यू तो कमाल का है यहाँ से। वो रहा ताजमहल और वो रही अपनी फेवरेट प्लेस स्विमिंग पूल। आपको इसे देखने से लग नहीं रहा होगा कि बाहर कितना टेम्परेचर हो रखा है। बढ़ हो रखा है। फिलहाल 47 डिग्री है बाहर, लेकिन हमने अपने रूम में मेंटेन किया हुआ है। काफी काफी अच्छा लगा आज इनके। अभी तो हम प्रॉपर्टी भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे क्या होने वाला है, बट अभी तक मजा आ गया। दे सर्व यू टोल्ड देम कि हमें वेलकम ड्रिंक से सर्व किया और सब कुछ सरस था। बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी तो बनती है भाई, द ओबेरॉय अमर विलास। लेकिन व्यू बड़ा कमाल का सच में। अगर सामने आपके रूम के बाहर ही ऐसा व्यू हो तो फिर ताजमहल जाने की भी क्या जरूरत है। यहीं से देख लेके खुश हो जाएंगे हम तो। चलो गाइस आपको व्यू दिखा दें थोड़ा स्विमिंग पूल का। हाँ, दिस इज द पूल। तो अभी प्लान ये है कि तान्या तो करेगी अपना शूट और हम जाने वाले हैं स्विमिंग पूल में, क्योंकि हमसे पानी को देख के रेजिस्ट नहीं होता। जल परा। और आई कॉल हिम। वैसे मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाया नहीं हूँ, लेकिन एक शॉर्ट्स है मेरे पास, होपफुली अलाउ कर दे मुझे यहाँ पर। हम आपको एक टूर देते हैं, पत्नी देवी का फोटो सेशन स्टार्ट होगा, सेशन होगा और हम थोड़ा सा हम आपको प्रॉपर्टी भी एक बार घुमाएंगे एंड देन वी आर गोना एंड दिस व्लॉग। इस व्लॉग का पार्ट 2 भी होने वाला है। आज कुछ स्पेशल दिखाने वाले हैं रात में, वो सेकंड व्लॉग में होगा। यस, तो इन द मीन टाइम हम आपको इसका टूर कराते हैं। आओ ये हमारे लिए कुछ सिनेमैटिक वीडियो लेते हैं। इस होटल का बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में आपको द ओबेरॉय अमर विलास कैसा लगा और आपको यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अब को आपको अलग एंगल से दिखा देंगे ताजमहल कैसा है, तो वो हम व्लॉग 2 में देखेंगे। एंड वी आर फिनिशिंग ऑफ दिस व्लॉग विद दिस ट्रैवल आइट्स लव यू प्लीज डू हैव अस बैक डू नॉट फॉरगेट पूरा रिदम बिगाड़ दे दिया। So do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel. Subscribers बढ़ाओ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, मतलब बहुत कम है। हम आपको और भी बहुत सारी जगह घुमाएंगे लालच, जैसे हम लोग वो कर रहे हैं लालच। So with this, goodbye, take care, we love you.